हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल डीजे व्लॉग में। मैं हूं सर्व दोस्तों, और आज की इस वीडियो में दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही खास प्रोडक्ट। बेसिकली दोस्तों आप सभी ये परेशान होते थे मार्केट में, आपको ऐसी पेंट की क्वालिटी नहीं मिल पाती थी जो कि आपके लाइक और यहाँ पे हर कंडीशन में काम करे, यानी बेसिकली जो पेंट की क्वालिटी हो वो वाटरप्रूफ हो, यहाँ पे इजी टू यूज़ हो और हम उसको किसी भी टाइप की कैबिनेट पे लगा सके, यानी इजी लगाना हो यहाँ पे, कोई भी हमें ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। प्लग इन प्ले वाला जैसे काम होता है ना, ऐसे इसमें यूज्ड यानी निकालो और लगाओ वाला काम हमें चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं टफ टेक्स पेंट, ये मैं आज लेके आया हूँ। इसकी करेंगे अनबॉक्सिंग, क्या है यहाँ पे। अनबॉक्सिंग में वैसे कुछ नहीं रखा, लेकिन पेंट में कि मैं आपको क्वालिटी दिखाऊंगा, कैसे करते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। कैबिनेट हमने एग्जांपल के लिए यहाँ पे रख रखा है, तो इस पे मैं सैंपल पे आपको करके भी दिखाऊंगा कैसी क्वालिटी हमें मिलती है। तो वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है, और वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को जो सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। चलते हैं वीडियो की तरफ, चलिए शुरू करते हैं। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास ये तीन बाल्टियाँ रखी हुई हैं जो कि अलग अलग काम में यूज़ आने वाली है, यानी दो तो एक जैसी हैं, एक ये अलग है। तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ। तो ये है दोस्तों 4 किलो का यहाँ पे जो पेंट है, यानी टफ टैक्स का जो पेंट है वो 4 kg के अंदर आता है। अगर आपको इसको इंडस्ट्रियल यूज़ में लेना है, यानी अगर आपको ज़्यादा बड़ी बाल्टी की ज़रूरत है, तो आप यहाँ पे जा सकते हैं 25 kg के अंदर। तो ये दोनों तो सेम हो गई। यहीं दोस्तों यहाँ पे टफ टैक्स ने आपको पुट्टी का भी ऑप्शन दे रखा है, यानी हाई क्वालिटी पुट्टी। टफ टैक्स क्या है कि बेसिकली उससे जो पेंट है उसी की तरह हाई क्वालिटी में आपको यहाँ पे पुट्टी भी देखने को मिल जाता है, जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। मैं अगर आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा पाऊँ, तो ये आप यहाँ पे वुड फिलर जो कि यहाँ पे साइड में ये काम में आता है, ये आप देख सकते हैं ना, ये साइड फिलिंग जो हो रखी है तो इसमें ये काम में आता है। यहीं जो दोस्तों जो हमारी ये पेंट है यहाँ पे, जो आप देख सकते हैं स्पीकर कैबिनेट रोलर ग्रेड पेंट है, वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा वो कैसे होता है, इस पर वो सारी डिटेल देखेंगे। बाकी ये जो रोलर है दोस्तों बिल्कुल इसके साथ आपको फ्री दिया जाता है, इसका भी कोई चार्जेस नहीं होता है। बाकी मैं यहाँ पे 4 kg का जो डिब्बा है वो हम यूज़ करेंगे, ये आप देख सकते हैं हमारा टफ टैक्स का, और काफ़ी हैवी है और पूरा भर के आपको मिलता है। ये नहीं है कि 10 ग्राम या 20 ग्राम कम कर दिया, बिल्कुल ऐसी कोई भी नहीं है। आप पूरा नाप लीजिएगा, पूरा का पूरा आपको 4 kg मिलेगा। तो यहाँ पे आप ये क्वालिटी को देखते हैं, और अभी हम देखेंगे हमारी जो ये कैबिनेट है, हमने जो मैंने सैंपल के लिए रख रखा है ये कैबिनेट को, तो इस पर हम इस पर करके देखेंगे। उससे पहले दोस्तों आपको क्या करना है कि इसका जो टफ टैक्स का आपको ये जो पुट्टी है उसको साइड में बस लगाना है, बीच में लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई और भी कैबिनेट है आप इसको डायरेक्ट इस पर कर सकते हैं, कोई भी आपको लगाने की चीज़ ज़रूरत नहीं है। आप पुट्टी साइड में यहाँ पे कर दीजिए, इससे क्या रहता है जो होल्स होते हैं, साइड होल्स होते हैं, या फिर जो खुरदरी सी जो खुरदरी सी जो जगह होती है वो भरने में मदद करती है। तो इससे क्या रहता है कि जो पेंट होता है ना वो आपका पूरा स्मूदनेस से रहता है, तो एक एक बारीकी तक आपको मतलब एज टू एज जो है वो फिनिशिंग आपको बहुत बढ़िया मिलती है। तो इससे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये करने के बाद रोलर जो होता है, यानी जो रेगमाल वाला जो रोलर होता है उससे इसको घिसा गया है ताकि चिकनाहट जिसे आ जाए, यानी जो प्लेन है जो सरफेस है वो एकदम प्लेन हो जाए। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको करके देखेंगे कैसे करेंगे, मुझे भी नहीं पता है। ऐसे ही मैं यहाँ पे अपने भैया से क्वेश्चन पूछूंगा कि इसको कैसे करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारी बाल्टी को हम ओपन कर चुके हैं, ये बेसिकली पूरी सील्ड पैक होती है। तो जैसे अगर आप कोई और एरिया से मंगा रहे हैं तो इसमें कोई भी चांसेस नहीं होता कि लीकेज हो जाए या जो पेंट है आपका वो निकल जाए, तो बिल्कुल सील्ड पैक्ड आपको मिलती है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, तो यहाँ पर आप ये क्वालिटी को इसके अंदर की पेंट में आप देख सकते हैं, ये आ जाता है दोस्तों पेंट इसके अंदर, और ये हम रोलर से इसको करके देखेंगे वो कैसे करते हैं। हमारे भैया हमारे साथ हैं, तो भैया का पहले हम नाम जान लेते हैं। भैया आपका नाम? जय जी भैया का नाम है। तो भैया मेरे मन में सबसे पहले ये क्वेश्चन उठता है कि ये पेंट कैसे बेस्ड बना है, वाटर बेस्ड है या फिर कोई अलग बेस्ड पेंट है? ये वाटर बेस्ड पेंट है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये आ रहा है मेरे मन में कि एक बाल्टी के अंदर, 4 लीटर की बाल्टी के अंदर मुझे कितनी कैबिनेट कवर होके मिल जाएगी? 6 कैबिनेट डबल 15 की, जैसे JBL की XRX 725 आती है वो 6 कैबिनेट हो जाएगी। बढ़िया है दोस्तों, तो मतलब आपको इसमें ऐसा मिल रहा है कि 6 कैबिनेट आपके पास तैयार हो जाएगी। पुरानी हो दोस्तों तब भी चलेगा, इसमें कोई ये नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि आपको नई पे करने हैं। पुरानी अगर आपका स्क्रैच आ जाए या फिर कहीं से आपको लग रहा है कि पेंट उखड़ गया, तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो भैया आप मुझे करके बताइए कैसे करते हैं, उसके बाद में आपको देखने के बाद मैं भी करूँगा। तो पहले आप बताइए कैसे करते हैं इसको, इसमें लेते हैं, ठीक है। तो मतलब इसको रोलर पे पूरा कवर कर लेना है जी, ताकि जो सरफेस हो वो कहीं से गायब ना हो, ठीक है। तो दोस्तों अब यहाँ पे देख सकते हैं, जूम करके आपको ज़रूर दिखाया जाएगा। तो यहाँ पे आप ये पेंट की क्वालिटी को देख पा रहे हैं, और ये देखिए
तो दोस्तों आप यहाँ पे ये क्वालिटी को देख पा रहे हैं, और एक बार मैं अपने हाथ से भी करके आपको दिखाऊंगा, क्योंकि मैं भी ये चीज़ फर्स्ट टाइम करूँगा, और आपकी तरह मैं भी एक बार ही करके देखूँगा कैसे फिनिशिंग दे पाता हूँ मैं। और ये क्वालिटी आप यहाँ पे देख सकते हैं, बिल्कुल जैसे दाना होता है ना, बिल्कुल बढ़िया वाला दाना हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ये हो चुका है, अब मैं ये वाला सरफेस तो भैया ने करा, अब ये वाला जो सरफेस है वो मैं खुद करके देखूँगा कैसे होता है, देखते हैं। तो दोस्तों अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं मास्टर ऑफ मास्टर पेंट भैया, अपना नाम बता दो। आर के गोयल नाम तो जानते होंगे। तो भैया मैं, ये मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं ऐसे पेंट तो मैं करा नहीं है मैंने कभी, तो इस पे मैं जो पेंट है वो कैसे लूँ यहाँ से? बिल्कुल इजी है सर। ओके, इसको डिप एंड ड्राई, बस ऐसे ले लिया, डिप करो इसको, ठीक है, अच्छी तरह से, हाँ कर लिया, और सीधा कैबिनेट के ऊपर आपने पहला पूरा रोल कर देना, ठीक है, यहाँ से अच्छी तरह से फैला दो, हल्के हाथ से फैला दो इसको, हल्के हाथ से। ओके, तो ये मैं हल्के हाथ से दोस्तों फैला रहा हूँ इसको, एक बारी कुछ ऐसे कर लेते हैं हम। हाँ, तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है कुछ इस टाइप की फिनिशिंग। फिर से एक बार हम डिप करते हैं, कुछ आपको इस टाइप से लेना है, अगर आप ऐसे करेंगे तो जो रोलर है उस पर पूरे पे पेंट लग जाएगा, तो ये एक आपके लिए प्लस पॉइंट हो सकता है। और बिल्कुल अभी आपको हल्के हाथ से चलाना है, क्योंकि जो पेंट है वो सरफेस से चिपक जाएगा, तो देन फिर अगर आप थोड़ा सा और उसको टाइट करेंगे तो उससे क्या होगा, दाने जो होंगे वो और उठना स्टार्ट होंगे। सेल्फ प्राइमर इसके लिए किसी भी ओके ऑयल वगैरह थिनर वगैरह की जरूरत कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, वाटर बेस है, सेल्फ प्राइमर है, प्राइमर वगैरह की किसी चीज की कोई जरूरत नहीं इसके लिए। एक बार दोस्तों आप सब कर दें, उसके बाद मैं आपको एक चीज सजेशन दूंगा कि आप एक तहत पे, यानी अगर आप ऐसे जा रहे हैं तो एक बारी पूरा कर दीजिए, उससे क्या रहेगा जो दाने होंगे वो बिल्कुल आपको एक स्ट्रेट टाइप के देखने को मिलेंगे और फिनिशिंग के टाइप देखने को पड़ेगी। तो मैं अभी एक बारी मैंने पूरा कर दिया, आप देख सकते हैं सरफेस पे, जूम करके एक बारी देख लीजिए, तो पूरे सरफेस पे मैं कर चुका हूं। और अब मैं क्या करूंगा, हल्के हाथ से इसको, एक गया लाइन, दूसरे की लाइन, और यहाँ पे तीसरी गई लाइन। अब देखिए यहाँ पे जो दाने हैं यहाँ पे, और जो इसका ग्रेड है पेंट का, वो बहुत ही आपको निखर के दिखाई दे रहा होगा। तो इसी कहते हैं दोस्तों यहाँ पे क्वालिटी। आई होप आपको ये जो क्वालिटी है वो बहुत पसंद आई होगी हमारी टफ टैक्स की। और यहाँ पे आप ये बाल्टी को देख सकते हैं, और मतलब मज़ा सा आ गया इसमें, और ये वाटरप्रूफ है दोस्तों, और यहाँ पे कोई स्क्रैचेस से भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपके कैबिनेट में स्क्रैचेस लग रहे हैं कोई परेशानी नहीं है, यहाँ पे आप उसको धनाधन यूज़ करिए, कहीं पे भी यूज़ करिए, कोई आपको परेशानी नहीं होगी। चलते हैं कुछ और डिटेल हम देख लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखी यहाँ पे पेंट की क्वालिटी, और यहाँ पे कैसे यूज़ करते हैं वो आपको इस वीडियो में आइडिया लगा हुआ। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी प्राइसिंग डिटेल, कहाँ से अवेलेबल होगा और कुछ ज़्यादा जानकारी। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो 4 किलो की बाल्टी है उसकी प्राइसिंग डिटेल अगर मैं बताऊँ तो 3500 रुपये है दोस्तों। इसके अंदर आपके डिलीवरी चार्जेस यानी जो कोरियर चार्जेस हैं वो एडेड हैं, तो ऑल ओवर इंडिया जो है वो प्राइस एक ही रहेगी 3500 रुपये, और यहाँ पे आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देना है। बाकी दोस्तों यहाँ पे अब बात करते हैं, अगर आपको ये ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए हो, तो दोस्तों ये डिपेंड करता है कि आपकी क्वांटिटी आप कितने रहें, तो उसके लिए यहाँ पे मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा। ये क्वांटिटी भी डिपेंड करेगा कि उसके हिसाब से ही प्राइसिंग डिटेल्स आपको मिलेगी, तो उसके लिए जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो मैं आपको लास्ट में वीडियो में बता दूंगा। साथ में जो दोस्तों हमारे यहाँ पे जो पुट्टी आता है उसका भी सेम यही है कि आपकी जो क्वांटिटी है उस पर डिपेंड करता है कि इसकी प्राइसिंग क्या होगी, तो उसके लिए मैं डिटेल दे दूंगा। बाकी दोस्तों आपको ये कैसे लगा ज़रूर नीचे कमेंट बताना। पेंट की क्वालिटी बहुत ही हाई है, वाटरप्रूफ रहने वाला है यहाँ पे, और यहाँ पे आपकी कैबिनेट सेफ्टी रहने वाली है, स्क्रैचेस से बच जाएगा यहाँ पे आपका जो कैबिनेट है। अगर आप हाई क्वालिटी के कैबिनेट यूज कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है पेंट भी आपको हाई क्वालिटी का मैं रिकमेंडेड करता हूँ। तो यहाँ पे टफ टैक्स की तरफ आप बिल्कुल आंख बंद के तरफ जा सकते हैं। आपको डीलरशिप भी चाहिए हो यहाँ पे टफ टैक्स की, वो भी अवेलेबल है, तो हमारे आरके भैया ने आपको ऑफर दिया हुआ है कि आप आके डीलरशिप ले सकते हैं हमारी टफ टैक्स की, तो नीचे जो डिटेल है ये शोर होगी, यहाँ पे टफ टैक्स का कॉन्टैक्ट नंबर और कस्टमर केयर नंबर है तो यहाँ पे शोर होगा। और भी ज्यादा जानकारी चाहिए हो तो आप यहाँ से डिटेल ले सकते हैं, तो आपको पता लग जाएगा। बाकी इसका जो मैंने आपको बताया क्वांटिटी भी डिपेंड करता है, तो इसी नंबर पे आपको शो हो रहा होगा, यहाँ से आप कांटेक्ट करेंगे भैया को आप बता देंगे। बाकी ये आपको एक एक पीस का भी मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप इसको ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं तो प्राइसिंग और आपको कम होती हुई मिलेगी। और बाकी दोस्तों आपको कैसे लगा ज़रूर नीचे कमेंट बताना। बाकी दोस्तों ये वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। इस चैनल को जो सब्सक्राइब करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, जब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।